भारी जोर के नव पदस्थापित बीडीओ धीरज प्रकाश ने प्रखंड सभागार भवन में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर पंचायतवार सभी तरह के विकास योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा के तहत पंचायत स्तर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट एवं 15वें वित्त आयोग से बन रहे स्वच्छता गड्ढा के आगतन प्रगति रिपोर्ट की जानकारी संबंधित रोजगार सेवक व पंचायत सेवकों से ली तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा। लोहंडिया आरसीसी पथ के किनारे बेतरतीब ढंग से मिट्टी डालकर छोड़ देने से सड़क पर कीचड़ जमने लगा है। किनारे पड़ी मिट्टी की वजह से बरसाती पानी सड़क पर अड़ने के कारण पूरी सड़क फिसलन से भर जाती है, जिसकी वजह से पैदल राहगीर और दोपहिया वाहन चालक अक्सर गिरकर घायल होते हैं। गौरतलब हो कि कोरोना लॉकडाउन से ठीक पहले इस सड़क का निर्माण ECL ने EBC कंपनी के माध्यम से कराया था। सड़क निर्माण के दौरान भी स्थानीय लोगों ने अनियमितता को लेकर सवाल उठाए थे। अब सड़क के दोनों ओर जैसे तैसे मिट्टी डालकर छोड़ देने से आम लोग सड़क पर जमी कीचड़ से हलकान हैं। गोड्डा SP के निर्देशानुसार आज हनवारा थाना प्रभारी विनोद कुमार एवं ASI देव कुमार तिवारी द्वारा इमली बांध के पास संघर्ष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दोपहिया वाहन एवं बुलेरो पिकअप टेम्पो इत्यादि गाड़ी के कागजात मास्क हेलमेट इत्यादि की जांच की गई। वहीं सभी गाड़ी चालकों को निर्देश दिया गया कि अगर अगले दिन बिना हेलमेट एवं बिना मास्क के मिलेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन जी बाछी बेचने के लिए तो नहीं जा रहा है? बेचने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार द्वारा पहली बार आयोजित ऑनलाइन कैरम चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। उक्त आशय की जानकारी देते हुए कैरम के इंटरनेशनल एम्पायर सह गोड्डा जिला सचिव सुरजीत झा ने बताया कि नेशनल एम्पायर सह प्रतियोगिता के टेक्निकल डायरेक्टर कुमार अजय के निर्देशन और विजेंद्र कुमार सिंह के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता के महिला वर्ग के खिताब पर बिहार सचिवालय की खुशबू रानी ने खिताबी मुकाबले में केंद्रीय सचिवालय की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवजानी तामुली को कड़े संघर्ष के पश्चात पराजित कर अपना कब्जा जमाया। रेनबो म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े गायकों एवं कला प्रेमियों ने गुरुवार को स्थानीय इंदौर स्टेडियम में आयोजित शोक सभा द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि व वैश्विक ख्याति प्राप्त देश के
शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय जसराज के चित्र पर पुष्पांजलि के पश्चात रेनबो के अध्यक्ष सुरजीत झा, संरक्षक मनोज कुमार पप्पू, सुमीर दुबे एवं अमित राय, सचिव मनीष कुमार सिंह, अतिथि वक्ता आलोक कुमार झा, वरीय सदस्य व गायक मिथिलेश कुमार, अमरेंद्र सिंह बिट्टू, सुभाष चंद दास एवं मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने पंडित जसराज के साथ साथ दिवंगत सुप्रसिद्ध क्रिकेटर चेतन चौहान की जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं स्वर्गीय राजीव गांधी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की और एक स्वर में पंडित जसराज जी को भारत रत्न की उपाधि देने की सरकार से मांग की। वन मनखी प्रखंड अंतर्गत बोहरा पंचायत के बोहरा फाटक वार्ड नंबर 9 से एक बड़ी खबर सामने आई है। रुपेश कुमार यादव पिता रामानंद यादव की शादी आज से 2 वर्ष पूर्व अररिया जिला अंतर्गत गयारी गांव में जितिन यादव की सुपुत्री नूतन कुमारी से हुई, लेकिन किसी कारणवश इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा होगा। ये बातें युवक की माता जी कहती हैं कि मेरे लाल यानी रुपेश को इसके ससुर, सास, साले व लड़की ने मिलकर हत्या कर दी और गाड़ी से घर के पास 3 बजे सुबह मरणासन्न स्थिति में फेंक दिया। मृतक के भाई और ग्रामीणों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इनके ससुराल वालों ने मिलकर रुपेश की हत्या की है और इनकी बाइक और अकाउंट से कुछ रुपए भी मृतक के साले द्वारा निकासी की गई है।